जय हिंद, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम वॉइस के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं डबल पैसिव वॉइस, अर्थात ऐसा वाक्य दिया जाएगा जिसमें दो एक्टिव वॉइस रहेंगे और उसे हम कन्वर्ट करेंगे दो पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस के अंतर्गत डबल पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए किसी वाक्य में, किसी एक्टिव वॉइस में दो एक्टिव वॉइस छुपे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लिखा है सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट। यहां पर नोटिस कीजिए, पहला वाक्य लिखा गया है सी रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट, मतलब यहां पर दो एक्टिव वॉइस दिया गया है। पहला एक्टिव वॉइस है सी रोट अ लेटर, दूसरा एक्टिव वॉइस है पोस्टेड इट। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। पहला वाक्य है सी रोट अ लेटर, यहां पर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो यहां पर इसका हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा अ लेटर। अब देखिए यहां पर रोट लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पुराने जो नियम है वो एज इट इज यूटिलाइज होंगे। यहां पर लिखा है रोट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, तो वॉज या वर, तो अ लेटर के लिए आएगा वॉज, अ लेटर वॉज। रोट राइट का ही सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न, तो यहां पर थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, अ लेटर वॉज रिटर्न बाई हर, सी का हो जाएगा हर, बाई हर, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंड लिखा हुआ है एंड, तो इसके बाद लिखिए एंड। अब नोटिस कीजिए यहां लिखा है पोस्टेड इट, पोस्टेड इट, इट ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो इसको सबसे पहले लिखिए इट। अब इसके लिए भी यहां पर पोस्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इट वॉज, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड। अब ये हो गया पहला पैसिव, ये हो गया दूसरा पैसिव वॉइस। अब यहां पर सी जो कि सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लिख सकते हैं बाई हर, इसे आप लास्ट में लिख दीजिए क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा अ लेटर वॉज रिटन एंड इट वॉज पोस्टेड बाई हर। इसे आप ऐसा भी बना सकते थे अ लेटर वॉज रिटन बाई हर एंड इट वॉज पोस्टेड, एक ही मतलब होगा। अब बाई हर को एंड के पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीनिंग में। ध्यान दीजिएगा, इसी में ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड the thieves and sent them to jail। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला active voice है the police arrested the thieves, second active voice है and sent them to jail। पहले वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, तो यहां ऑब्जेक्ट है दी थिप्स, दी थिप्स, दी थिप्स। अब यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए आएगा सिंपली वर, आने वाला है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो यहां पर ये प्लूरल में दिया गया है, प्लूरल में होने के कारण यहां पर आ जाएगा वर, दी थिप्स वर, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म, यहां पर सेकंड फॉर्म दिया है, थर्ड फॉर्म कीजिएगा तो यही सेम रहेगा अरेस्टेड बाय पुलिस, इसको लास्ट में लिखेंगे एंड, एंड यहां देम का हो जाएगा आपका, देम का हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट फॉर्म दे, और दे के लिए भी आने वाला है वर, एंड दे वर
दे वर, थर्ड फॉर्म होगा सेंट, सेंट सेंट का सेंट ही रहेगा, दे वर सेंट टू जेल बाई पोलिस, बाई पोलिस। तो ये बनेगा इसका आंसर। तो यहां पर हमने डबल पैसिव वॉइस को डिस्कस किया है। जय हिंद, जय भारत।